महापुरुषों के वचन ये बड़े ही कीमती वचन होते हैं, करोड़ों रुपए देकर भी ये ज्ञान नहीं मिल सकता साथ से। इसकी कोई कीमत नहीं है। महापुरुषों के सारी जीवन के सार होते हैं कुछ वचन। संत बाबा थारे सिंह जी का वचन पल्ले बांध लीजिए कि भूलना बीमारी की जड़ है, याद करना बीमारी की दवा है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कुत्ता दृष्टि वाले, एक शेर दृष्टि वाले, ध्यान देना। अब ये कुत्ता दृष्टि और शेर दृष्टि क्या होती है? अगर कुत्ते को पत्थर मारो तो कुत्ता पत्थर की तरफ दौड़ता है, ध्यान देना, इसे कहते हैं कुत्ता दृष्टि। अब शेर को पत्थर मारो तो शेर पत्थर मारने वाले की तरफ दौड़ता है, पत्थर की तरफ नहीं, ध्यान देना साथ संगत जी, बड़ी कीमती बात है, समझने की कोशिश कीजिए। कुत्ता दृष्टि, कुत्ते को पत्थर मारो कुत्ता पत्थर की तरफ भागता है, मारने वाले की तरफ नहीं। शेर दृष्टि, शेर को पत्थर मारो शेर पत्थर की तरफ नहीं दौड़ता, जहां से पत्थर आ रहा है, जड़ क्या है, मूल क्या है, उसकी तरफ दौड़ता है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे कि शेर दृष्टि रखा करो, शेर दृष्टि। इसका भाव पता क्या है? जब इंसान की जिंदगी में कोई दुख आता है ना, तो किसी ना किसी की तरफ उंगली उठाता है, इसकी वजह से दुख आया मुझे, इसकी वजह से दुख आया, फलाने आदमी की वजह से दुख आया, नहीं, ये कुत्ता दृष्टि है। शेर दृष्टि क्या है? दुखों का मूल क्या है, बैठ के सोचा करो, मूल क्या है? तो मूल एक ही है, क्या? दंते दोष न देऊ किसे, किसी को दोष मत दो, दोष कर्म अपने आ, अपने कर्मों को दोष दो, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना, कि जो मैंने बोया था आज मैं वही काट रहा हूं। किसी की वजह से कोई तकलीफ नहीं आती, वो बहाना बनते हैं। जो भी दुख आता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। विवेकानंद जी लिखते हैं कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फ्यूचर, कि हम अपने फ्यूचर के खुद आर्किटेक्ट हैं। हमें कैसा बनाना है हमारे हाथ में। दास का एक मित्र है अमृतसर में, बड़ी कमाई है साथ संगत जी उसकी, उसका नाम सेठी है। एक होता है कहानी सुनाना, एक होता है साखी सुनाना, सुनी सुनाई बात है, अपने आंखों देखी बात। वो यहां पर भी आके गया है, अमृत वेले हाजिरी भर के गया है, दो बार आया है यहां पर। साथ संगत जी उसका नेम है, रात को 12 बजे दरबार साहब चला जाता है, पूरी रात सेवा करता है, 40 माला मूल मंत्र की करता है रोज, और सुबह 6 बजे घर आता है। बचपन से नेम है, जब से होश संभाला है, समझिए 8वीं 7वीं में होगा। आज उसकी उम्र मेरी जितनी है, मेरी उम्र 38 है, 38, उसकी भी 38 है। सोचिए कितने साल हो गए उसे सेवा करते हुए, और कैसी सेवा, एक नागन है। अगर उस शहर में है तो कभी छुट्टी नहीं की उसने अपनी सेवा में। पर देखिए शेर दृष्टि क्या होती है, मैं वो बता रहा हूँ। उसे यहाँ पर 3-4 फोड़े हो गए बड़े बड़े, तकरीबन 5-7 साल पहले फोड़े हो गए। अब एक साल तक अमृतसर में इलाज कराता रहा फोड़ों का, किसी को समझ में नहीं आया क्या है, डॉक्टर फोड़ा समझ के इलाज करते रहे। जब पता चला तो कैंसर निकला, वो भी लास्ट स्टेज का कैंसर, एम्स में भर्ती है दिल्ली में, डॉक्टर कह रहे हैं भाई कुछ नहीं हो सकता। एक साल तक तो कहाँ से इलाज करवाता रहा, किसी को पता ही नहीं चला। अब देखिए उसके जगह हम हो तो क्या कहेंगे, इतनी सेवा की, इतना नाम जपा, फिर भी कैंसर हो गया, कैसा गुरु है, छोड़ के दूसरे के पास चला जाता है, चलो किसी बाबा के पास चलते हैं या दूसरा गुरु करते हैं, यह दूर है। नहीं, शेर दृष्टि, उसने यही सोचा या तो गुरु इम्तिहान ले रहा है, तो यहाँ तो मेरे अपने किए हुए कर्म है जो आ गया है। उसने क्या किया साथ संगत, दिल्ली में इलाज नहीं करवाया, डॉक्टर ने कहा एक लास्ट ऑपरेशन करते हैं।
अब ये नहीं गारंटी कि तू ऑपरेशन थिएटर से उठेगा या नहीं, तेरी मौत भी हो सकती है, बचने का चांस ना के बराबर, लास्ट स्टेज है कैंसर। तो उसने मन में सोचा, मुझे बताया, मैं वहीं पर था अमृतसर में उस वक्त। उसने क्या किया साथ से, सबसे पहले उसने अपना नेम बढ़ा दिया, 40 माले से 100 माला मूल मंत्र की करनी शुरू कर दी। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन है, जब दुख आए ना, किसी भी प्रकार का दुख आए, फाइनेंशियली रोग आए, किसी भी तरह का, उस वक्त नित्य नेम बढ़ा दो, दुख का समय जल्दी टल जाता है। उसने वो वचन माने, अपना मूल मंत्र की माला का नेम 100 माला तक कर दिया, और इलाज चल रहा है उसका, पर उसने सेवा नहीं छोड़ी। अब दिल्ली से कैसे आए, तो उसने दिल्ली और इलाज करवाया ही नहीं, लुधियाने आ गया। सुबह 6 बजे सेवा से चला जाता है, हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है, पूरा दिन इलाज करवाता है, शाम को 6 बजे की ट्रेन पकड़ कर वापस आ जाता है, रात को दरबार साहब में सेवा करता है। डॉक्टर मना करते हैं, ये तो क्या कर रहा है, कहने लगा बचने की उम्मीद तो आप गारंटी दो, मैं बच जाऊंगा, मैं नहीं जाता। कहने लगे नहीं, बचने की तो कोई उम्मीद नहीं। कहने लगा नहीं, फिर मैं अपनी सेवा करते हुए मरूंगा, ऐसे नहीं। साथ संगत जी, उसकी सेवा, उसका सिमरन, जिस दिन उसका ऑपरेशन था फाइनल, सुबह जाके, सुबह सुबह ऑपरेशन था, दरबार साहब से गया लेटा, तो बाबा नंद सिंह जी को बहुत मानता था वो, जैसे मैं मानता हूँ ना, बाबा नंद सिंह जी के वचन सुनाता हूँ, बहुत संगत करता था, तो उसका ध्यान में बाबा नंद सिंह जी आ रहते थे हमेशा। जैसे ही डॉक्टर उसके बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगे, उसने देखा पास में बाबा नंद सिंह जी खड़े हैं डंडे के साथ। साथ संगत जी जोर से चिल्ला पड़ा, वाहेगुरु। डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ, कहने लगा नहीं कुछ नहीं, अब मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उठूंगा। क्यों, वाणी फुरमाती है, श्रवण कीजिए। वेदा संदा संग इकट्ठा होया, औखत आए रा विच आप खलो, जो जो ओना कर सो कर्म होए पसरिया, हर हाँ दुख रोग सब पा तन ते खिसरिया। मस्कीन जी एक बात कहा करते थे कि दब दवाई और दवा, दुआ और दवाई, दोनों चीजें मिल जाती है ना तो चमत्कार होता है। वाणी कहती है जो कर्म रोग होते हैं ना, समझो सर दर्द हो रहा है, अब गोली खा लो ठीक हो जाएगा, ये कर्म रोग नहीं। कर्म रोग जैसे ये कैंसर, ऐसी बीमारियां सिर्फ दवाइयों से ठीक हो ही नहीं सकती, जब तक वो खुद आके ना खड़ा हो जाए। वाणी कह रही है, वैदा संदा संग इकट्ठा होया, सब वैद मिलके मीटिंग कर रहे हैं कि अब क्या करें। बादशाह फरमाते हैं, औखद आए रास विच आप खलोआ, जब तक वो बीच में आके खुद खड़ा नहीं हो जाता ना, कोई दवाई काम नहीं करेगी। अब उसने देखा बाबा नंद सिंह जी महाराज आके खड़े हो गए, उसके मन में ताकत आ गई कि अब मैं नहीं मरूंगा। साथ संगत जी, वो दिन ऑपरेशन हुआ, आज भी दरबार साहब में सेवा कर रहा है। आज ना उसने अपना नेम छोड़ा, पूरी रात सेवा करता है, एक छुट्टी नहीं, 100 माला मूल मंत्र का नित्य नेम। कहने लगा जिसने मुझे बचाया है मैं उसे कम कैसे कर दूं, ये नहीं हुआ कि रोग ठीक हो गया अब 40 माला पे आ जाए वापस, नहीं, 100 का 100 ही रखा। बात को पकड़ो, मूल क्या है, नाम। जो दिल करता है जपी, जो आपके गुरु ने आपको दिया है जपी है, पर जपी है, सिर्फ बातें मत कीजिए। हमेशा के लिए रोगों को खत्म करना है तो रोज अमृत वेले उठकर नाम जपिए। कहते हैं ना कि दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हम दुख में सिमरन करते हैं, सुख में नहीं। सब मिलकर 2 मिनट धुनी भी लगा लें। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे।